अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ऐसे ही आप सभी को खुश रखे। शिक्षा के नाम पर मुस्लिम छात्राओं को क्या क्या कराया जा रहा है देख करके आप हैरान हो जाएंगे। अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान में मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने पर स्कूल से निकाल दिया गया था, उसे चंबल का डाको कहा गया था। वहीं पर दोस्तों तकरीबन 2022 में एक वीडियो सामने आई थी उत्तर प्रदेश के एक स्कूल से, जहां पर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी नजम पढ़ाया गया था सिर्फ, तो उन सारे टीचरों की गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मुस्लिम लड़कियों को सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। सोचिए ये कितना गलत है, मुसलमानों के सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना सरासर हराम है। दोस्तों विस्तार से बताऊंगा पूरी खबर के बारे में, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। आपको बताता चलूं कि इन स्टोरीज नामक एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया है, लिख रहे हैं कि जोधपुर राजस्थान में मुस्लिम छात्राओं से हिजाब में करवाया गया सूर्य नमस्कार, शिक्षा के नाम पर थोपी जा रही हिंदू संस्कृति। सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में जोधपुर के उदय मंदिर स्कूल में धार्मिक कार्यक्रम सूर्य नमस्कार करवाया गया। क्या स्कूल में विशेष धार्मिक से चलती है या सर्वधर्म से शिक्षा दी जाती है? इस्लाम में सिर्फ एक ही खुदा का इबादत करते हैं, हजारों भगवानों का नहीं, ये बातें ट्विटर यूज़र ने लिखे हैं। वहीं पे दोस्तों MD जिसान ने ट्वीट किया है, वो लिख रहे हैं कि लोकेशन जोधपुर राजस्थान, मुस्लिम छात्राओं से हिजाब में करवाया गया सूर्य नमस्कार, शिक्षा के नाम पर थोपी जा रही हिंदू संस्कृति। सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में जोधपुर के उदय मंदिर में स्कूल धार्मिक कार्यक्रम सूर्य नमस्कार करवाया गया। सोचिए दोस्तों कितनी दुख की बात है। वहीं पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल लिख रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर क्या थोपा जा रहा है। देखिए राजस्थान के जोधपुर में सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में उदय मंदिर स्कूल में सूर्य नमस्कार करवाया गया, ये बहुत ही गलत है। अगर आप मुस्लिमों से जो करवाए वो करें तो ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे एक टीचर सिर्फ लब पे आती है नज़म पढ़वाते हैं इकबाल साहब का, तो उसमें टीचर की गिरफ्तारी हो जाती है। सोचिए कितनी दुख की बात है। पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नामक ट्विटर यूजर है, वो कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया दोस्तों, इस वीडियो को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, लिख रहे हैं कि जोधपुर पिपार शहर में बच्चियों को हिजाब के नाम पर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। स्कूल टीचर ने कहा कि हिजाब पहन के आओगे तो बोर्ड को क्लास के नंबर नहीं भेजेंगे। टीचर ने कहा चंबल की डाकू जैसी लगती हो हिजाब में। सोचिए कितनी अफसोस की बात है, कितनी दुख की बात है। और उन जिस टीचर ने ये बात कही है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। तो भाई और दोस्तों आपकी क्या राय है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।